दोस्तों आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है और सही सही देखा भी है। वो इसलिए क्योंकि मिचेल स्टार्क जो आईपीएल 2021 के ऑक्शन के सबसे बड़े प्लेयर रहने वाले हैं, उनको लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। साथ ही साथ आईपीएल 2021 के लिए एक न्यू टीम के लिए खेलते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले ये आरसीबी के लिए खेल चुके हैं, केकेआर के लिए खेल चुके हैं और 2021 में न्यू टीम के लिए डेब्यू करने जा रहे हैं। कौन सी है वो न्यू टीम, उसके बारे में हम बात करें। इससे पहले अगर आप भी एक आईपीएल फैन है, क्रिकेट फैन है, तो फटाफट अभी इस वीडियो को लाइक कर दे। सबसे पहले बात करें हम खबर की, तो 2021 का जो ऑक्शन होने जा रहा है वो होने वाला है 18 फरवरी 2021 को, जहां पर 150 से 200 प्लेयर्स पार्ट लेने वाले हैं और ऑक्शन होने जा रहा है चेन्नई में। साथ ही साथ ऑक्शन से पहले एक बड़ा हिंट आया है कि किंग्स इलेवन पंजाब मिचेल स्टार्क के पीछे जा रही है और किंग्स इलेवन पंजाब की टीम चाहती है कि मिचेल स्टार्क इस बार 2021 में केएक्सआईपी की टीम से खेलें। अगर आप केएक्सआईपी के पर्स को देखते हैं तो सबसे ज्यादा पर्स मनी है, लगभग 54 करोड़ रुपए इनके पास बचे हुए हैं और मिचेल स्टार्क जैसा बड़ा प्लेयर लेना एकमात्र ही टीम के लिए इजी होने वाला है 2021 ऑक्शन में, वो होने वाला है किंग्स इलेवन पंजाब को। अगर आप देखते हैं केएक्सआईपी के स्ट्रेंथ को, तो पेस ओवरसीज बॉलर्स के तौर पर इन्होंने रिटेन करके रखा है क्रिस जॉर्डन को, और सोचिए आप अगर मिचेल स्टार्क इनकी प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं तो कितनी स्ट्रॉन्ग टीम बनने वाली है। और अब ऐसी खबर भी आ रही है कि मिचेल स्टार्क इस बार किंग्स 11 पंजाब की टीम से हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। गाइज अगर हम बात करें आरसीबी की टीम की, आरसीबी की टीम मिचेल स्टार्क पर सोचकर भी बोली नहीं लगा सकती है, क्योंकि मिचेल स्टार्क जैसा बड़ा प्लेयर 7-8 करोड़ से ज्यादा का ही बिकने वाला है। और अगर आप देखते हैं आरसीबी के पर्स वैल्यू को, तो इनके पास मात्र 15 करोड़ रुपए ही बचे हुए हैं। 15 करोड़ में 13 प्लेयर्स इनको खरीदना है तो किस प्रकार से मुश्किल होने वाला है आरसीबी के लिए, ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो गाइस खबर तो यही आ रही है कि किंग्स इलेवन पंजाब के लिए डेब्यू कर सकते हैं मिचेल स्टार्क। आपको क्या लगता है कौन सी टीम और मिचेल स्टार्क के पीछे भागने वाली है? अपनी ओपिनियन, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। सभी अपडेट्स लगातार पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन पर ऑल प्रेस करके रख लें। धन्यवाद।